नमस्ते। आज एक थोड़ा क्षोभ के साथ ये शो कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर संदीप पांडे हैं और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मेरे बेटी की उम्र की है, बेटी कहूँ कि पीड़िता कहूँ कि आप हरदोई में हैं, क्योंकि नियम कुछ ऐसे हैं कि शायद इनका चेहरा दिखाने में कुछ कानूनी बाध्यता है। मुझे बहुत मैं क्लियर नहीं हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि आप नहीं दिखा सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कंसेंट के साथ दिखा सकते हैं, इसीलिए नाम भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसमें भी शायद कुछ अड़चन आ सकती है। और दो चीज़ें हैं, एक तो चूंकि मैं अभी जब आऊँगा तो आपको बताऊँगा, एक तो ये कानूनी लड़ाई लड़ रही है तो उसमें कोई दिक्कत ना आए क्योंकि इनका कोई पक्ष कमज़ोर ना हो, और दूसरा हम लोगों को भी बहुत क्लैरिटी नहीं है इसमें कि इसको ही कोई कम्युनिटी नॉर्म का उल्लंघन मान के हमारे ऊपर कोई एक इस पर कार्रवाई करने की मौका ना मिले किसी को। दुख ये इस बात का है कि जैसा हरदम कहा जाता है, दो चीज़ें ईश्वर देता है और वो कोई भी इंसान यहाँ पे उसको नहीं वापस कर सकता। एक है जान, अगर आप किसी की जान ले लें तो वो वापस कोई इंसान नहीं कर सकता है, और दूसरी किसी भी नारी का इस उसको जो उसकी लज्जा कह लीजिए, उसका इज्जत कह लीजिए, जो इज्जत है, क्योंकि वापस नहीं होती है। और इसी इन्हीं दो कारणों से ये ईश्वर ने ऐसी दो चीज़ें दी हैं कि हम सब लोग उसको मानते हैं कि अगर आप किसी की जान ले रहे हैं या आप किसी की इज्जत ले रहे हैं, तो इज्जत लेना तो शायद जान लेने से भी ज़्यादा घातक और पीड़ादायक है, क्योंकि उससे वो न केवल आप पीड़िता के जान लेने के बाद उसको उसी शर्म के साथ जीना भी पड़ रहा है। लेकिन मेरे साथ जो हैं ये हिम्मत वाली हैं, इनके साथ पिछले वर्ष मार्च महीने में ये आंगनवाड़ी वर्कर हैं हरदोई में, इनके साथ ये घटना हुई। वो एक दो बार नहीं, उनको डरा के धमका के इनके पति की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हुई थी। घर का पूरा दायित्व तो इनके ऊपर था, जैसा होता है वो बहुत कॉमन, मतलब ये बहुत जिसको कहते हैं ना बहुत आराम से शिकार थी और शिकारी ने अपना काम किया। वो तीन दबंग हैं, उसमें से एक गौतम जी हैं जो सरप्राइजिंगली दलित हैं खुद, दूसरे एक मोनू सिंह साहब हैं और एक त्रिपाठी जी हैं। ये तीनों की तिकड़ी जो है उसने एक बार नहीं, इनके साथ ये कई बार किया, इनकी हिम्मत नहीं हुई। फिर डॉक्टर संदीप पांडे इनको कहीं किसी सभा में और किसी माध्यम से उन तक बात पहुंची, डॉक्टर संदीप पांडे गए हरदोई, इनसे पूरा मामला समझा, इनकी पत्नी भी गई, इन लोगों ने पूरा इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया कितना सही कितना गलत, और फिर इन्होंने उसकी FIR कराई। मैं जो पीड़िता है मैं उनका नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, मैं अब आपकी इनसे रूबरू बात करा रहा हूँ। आप थोड़ा संक्षेप में बताइए कि आपके साथ हुआ क्या और ये जो घटना आपके और क्यों कैसे हुआ ये सर? जी मैं बताना चाहती हूँ, ये घटना पिछले वर्ष मार्च 29 मार्च की है। उस दिन होली का दिन था और मुझे अच्छी तरीके से याद है, हस्बैंड हमारे एक ही डेढ़ महीना पहले एक्सपायर हुए थे और हमारी 6 वर्ष की छोटी बेटियाँ थी, तो वो रोने लगी कि मम्मी मुझे भी कुछ चाहिए, आज के दिन होली है, रंग और कपड़े। तो मैं उसका मार्केट में जो भी मुझे लगा कि मैं जाके ला दूं और ताकि उसको अपने पिताजी की कमी कम खले, और मैं परेशान तो थी क्योंकि मैंने अपने आदमी का जो है 6 महीना इलाज कराया था, काफ़ी कर्ज में वैसे भी हम डूबे हुए थे और आज भी हैं, और हम अब हमारे पास हमारे हस्बैंड ने हमको स्कूटी ले दी थी तो हम उसी से जा रहे थे ढिकुन्नी। उसके बीच में हमारे ग्राम अधिकारी संतोष सर का फ़ोन आया, अक्सर ये कोविड में इनकी ड्यूटी लगी थी तो आंगनबाड़ी और आशा की भी लगी थी, उनको रोज़ की रोज़ रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी, तो ये पूछे हमसे कहाँ पे हो, तो हमने कहा सर अभी हम काम से जा रहे हैं ढिकुन्नी और अभी सर वापस मैं आपको रिपोर्ट या कुछ ऐसे ही हमने बात करी, और हम जा ही रहे थे रास्ते में, तो ये रास्ते में हमारे गांव से लगभग 2-2.5 किलोमीटर आगे एक हनैया गांव है, वहाँ पे एक हर्जा टाइप का है, वहाँ पे ये और इनके एक दोस्त खड़े मिले अपनी 4-व्हीलर से, इन्होंने हमें रोका। तो 2 साल से हमारा लगभग इनसे परिचय अधिकारी और वर्कर के तरीके से अच्छा था, तो हम रुक गए और इन्होंने कहा कि आज होली का दिन है और आप कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए फिर जाइए। हमें किसी प्रकार से लगा ही नहीं कि इन लोगों की मनसा क्या है हमारे प्रति, हम इनको समझ ही नहीं पाए, और उस कोल्ड ड्रिंक में जो है नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था, उसको पीने के बाद मुझे अजीब सा नशा रहा, और ये गाड़ी थोड़ा सा एक नरेगा की सड़क बनी हुई है उधर साइड में लगा के, वहाँ पे झाड़ी वाड़ी काफ़ी हैं और बहुत कम रोड चलता है वो,
और वहाँ पे ए और इनके साथी मोनू सिंह ने दोनों लोगों ने दुष्कर्म किया हमारे साथ। और मुझे याद है कि ये सब जो भी करना था हैवानियत के तरीके से कर रहे थे, पर अजीब टाइप का नशा होने के साथ मैं कुछ कोई विरोध और चिल्ला नहीं पा रही थी। लगभग एक घंटे के समय के बाद ये लोग चले गए और मुझे जब पूरी तरीके से लगा कि मैं जा सकती हूँ, फिर मैं घर आई और उसी का इन लोगों ने वीडियो बना लिया था। उसी को लेके हमको दो बार और ब्लैकमेल किया गया, एक घटना में मोनू सिंह रहें और लास्ट वाली घटना में योगेश त्रिपाठी रहें हमारे साथ में, और उसी का हम लोगों ने FIR कराया। और अफसोस, सबसे अफसोस की बात ये है कि जितने भी दबंग लोग हैं सब दबाव डालते हैं, आज भी डालते हैं, रहना मुश्किल कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, भाई को भी मिल रही हैं, हमें भी मिल रही हैं, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उन लोगों ने झूठे बयान लेके, झूठे एफिडेविट लगा के अपना जो है हाईकोर्ट से भी स्टे ले लिया था, और पुलिस ने भी पैसे के दम पे 76D की धारा ही हटा दी। तो अब मतलब केस कमज़ोर हो गया, उन्होंने जो मुख्य बलात्कार का आरोप था वो हटा दिया। मैं डॉक्टर संदीप आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि इसमें जब आपने FIR लगा दी, जब कर दी आपने ये FIR, तो उसके बाद जैसा मतलब जैसा हम लोग की बातचीत में पता लगा, आपके घर पे भी उन्होंने पहले दबाव डाला और फिर मतलब जैसे राजी खुशी और फिर धमकी, ये सब आपके साथ भी प्रयास हुआ है कि इसको ख़त्म करने के लिए। जी जी। तो ये नहीं, इनका एक राजीनामा भी कुछ लिखा गया, वो थोड़ा उसके बारे में बता देते। जी, असल में इसकी बहन को उन्होंने शौचालय में निगरानी के काम में लगाया था, एक पोस्ट निकली थी संविदा पे, और जब उसको उन्होंने उस काम से निकाल दिया ये कहते हुए कि वो तो गांव की लड़की है और उसकी शादी हो गई है, हालांकि उसका पति मर गया था, वो मायके में रह रही थी, तो वो काम कर सकती है, लेकिन ये बहाना करके कि गांव की लड़की है, इसकी शादी हो गई है, इसको काम पे नहीं रखा जा सकता, जो वो पहले भी थी, लेकिन 8 महीना काम किया ही उसने। तो जब उसको इन्होंने उसका भुगतान नहीं किया, तब इनको लगा कि भाई ये तो मेरे साथ ज़्यादा ज्यादती हो रही है, कि मेरा शारीरिक शोषण भी हो रहा है। अच्छा, इसकी बहन को भी उन्होंने बुलाया, लेकिन वो थोड़ा उसका व्यक्तित्व मजबूत है, उसने मना कर दिया जाने से उनके साथ, और ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, और वही शायद कारण भी हुआ उसको निकाले जाने का। हाँ हाँ, उसको इसलिए निकाला भी, और इनको जैसा इन्होंने कहा कि उस वीडियो के आधार पे ब्लैकमेल करते थे, कहते थे जहाँ हम बुलाएं तुम चली आओ। एक बार तो ये कह के कि जो वीडियो बनाया है उसको डिलीट करना है, तो तुम हमारे साथ लखनऊ चलो, और लखनऊ लाके एक होटल में भी यहाँ कहीं उनको इनके साथ बलात्कार हुआ। तो जब हम लोग FIR कराने पहुँचे थाने, तो वहाँ के जो इंचार्ज थे ब्रजेश मिश्रा, उनकी प्रतिक्रिया भी यही थी कि हम सॉर्ट आउट करा देते हैं। तो हमने उनसे कहा देखिए, सॉर्ट आउट वगैरह के स्टेज के आगे ये मामला चला गया है, इसको 50,000 रुपया दिया गया ये कह के कि और वो बकायदा लिखित एक समझौता है कि जो जो आपत्तिजनक वीडियो वगैरह है उसकी ये कोई शिकायत नहीं करेंगी, और फिर और भी लोगों के उसमें हस्ताक्षर हैं, और उसी के आधार पे उन्होंने कोर्ट से ये स्थगनादेश लिया है कि उनकी गिरफ्तारी ना हो, और पुलिस को संभवतः पैसा दिया गया, नहीं तो कोई कारण नहीं है कि पुलिस ऐसा क्यों करे, और 376 आगे डी भी लगा हुआ है, डी मतलब ये गैंगरेप की धारा है, और वो हटा दी गई है, और मेरे ऊपर क्षेत्र के जितने दबंग लोग हैं, जिसमें एक बहुजन समाज पार्टी के नेता है राजेश अवस्थी, जो अब्दुल मन्नान के साथ रहते हैं, वहाँ के जाने माने किसान नेता राकेश सिंह चौहान, भारतीय किसान यूनियन के, ऐसे लोगों ने आके मुझसे कहा कि मामला झूठा है और जो कुछ हुआ है सहमति से हुआ है, संतोष कुमार गौतम का पूरा परिवार मेरे घर आ गया, माँ चाची सब लोग, और कहने लगी कि आप उसको माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा देखो, मैं कोई नहीं होता हूँ माफ़ करने वाला, लड़की अगर चाहे माफ़ कर दे, और अगर लड़की को लगेगा कि उसके साथ गलत हुआ है तो हम तो कार्रवाई करेंगे। और बार बार मुझे ये कहा जा रहा था कि लड़की की सहमति से सब कुछ हुआ है, तो मुझे इसमें एक कड़ी भूमिका लेनी पड़ी, और मैंने लोगों को कहा कि देखिए, अगर किसी वेश्या के साथ भी अगर गलत हो और उसको लगे कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो उसको अधिकार है कार्रवाई करने का। तो
जब मैंने कड़ी भूमिका ली और जब हम लोग FIR हम लोगों ने करवाई, उसके बाद फिर किसी तरह से इन्होंने ये इस मामले को हल्का कर दिया है ये धारा निकाल के, लेकिन हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक हरदोई से मिल के उनसे पुनर्विवेचना की मांग की है। चूँकि घटना पुरानी है, मेडिकल में कुछ आएगा नहीं, 2-3 महीने बाद मेडिकल हुआ है जब FIR हुई इनका। हालांकि मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो गया है 164 धारा में, तो वो मायने रखता है, अंत में उसी के आधार पे फैसला होगा। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि उसके बावजूद पुलिस ने गैंगरेप की धारा हटा दी है। हम लोगों ने पुनर्विवेचना की मांग की है, हम उम्मीद करते हैं कि पुनर्विवेचना की मांग में ये धारा जुड़ेगी गैंगरेप वाली और इनको न्याय मिलेगा। इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि ये जो 3 आरोपी हैं, संतोष कुमार गौतम जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, योगेश त्रिपाठी जो पत्रकार हैं, और मोनू सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ये हाल में ही उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी के पास आए, उनसे मिले, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई और उस फोटो को वायरल भी कर रहे हैं। आप इनकी हिम्मत देखिए, यानी कि वो बता रहे हैं कि उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हिंदुत्ववादी सरकार है, हम सबको मालूम है कि वो कितनी महिला विरोधी है। आप सिर्फ मनुस्मृति उठा के देख लीजिए कि उसमें महिलाओं के साथ क्या क्या, महिलाओं के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। और जो हाल की घटनाएं हैं वो भी ये संकेत करती हैं कितनी महिला विरोधी सरकार है। इस सरकार ने 2 महिला MLA गरिमा सिंह और स्वाति सिंह, जो इनकी एक बहुत चर्चित मंत्री थी पिछली सरकार में, इन दोनों को हटा के इनके पतियों को चुनाव लड़ाया। और उसमें से एक सज्जन जिनके बारे में स्वाति सिंह ने आरोप लगाया है कि वो घरेलू हिंसा करते हैं, आरोप नहीं लगाया, मुझे मालूम है लखनऊ की एक संस्था के पास पूरी फाइल है स्वाति सिंह की। जब स्वाति सिंह अभी राजनीति में नहीं आई थी तो उन्होंने लखनऊ की एक संस्था के पास शिकायत की है कि उनके पति उनके साथ घरेलू हिंसा करते हैं, उनके ऑडियो भी वायरल हुए थे। और ये सब तो घरेलू हिंसा करने वाले आदमी को आप इस सरकार में आप चुनाव लड़ा के उसको विधायक ही नहीं, उसको आप मंत्री बनाते हैं, स्वतंत्र प्रभार देते हैं, ये कितने आश्चर्य की बात है। और 2 और घटनाएं जो हाल में हुई उसका भी जिक्र करता चलूं। लखीमपुर खीरी में एक लाइनमैन को इसलिए आत्महत्या करनी पड़ती है क्योंकि उसका जो जूनियर इंजीनियर है वो उससे कह रहा है कि तुम्हारी बीवी को मेरे पास एक रात के लिए भेज दो, ये अपमान उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। और दूसरा, इसी शासन में जहाँ ये बताया जा रहा है कि बेटियाँ बहुत सुरक्षित हैं, एक क्षेत्राधिकारी पुलिस के अपने ही विभाग की एक महिला के साथ बलात्कार करते हैं और अब जाके ये मामला जो है खुला है और ये साबित हो गई है बात, और उनको अब नौकरी से हटाया गया है। तो ये सब इस सरकार में हो रहा है और हमें बड़ा आश्चर्य है कि योगी जी रामनवमी पे कन्याओं का पैर धो रहे हैं और बता रहे हैं कि वो महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। तो फोटो खिंचवाना एक बात है, नारे देना एक बात है, लेकिन असल में क्या हो रहा है ये देखना दूसरी बात है। मैं डॉक्टर संदीप इसको कंक्लूड करेंगे, मेरे हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री या किसी के पास भी बृजेश पाठक जी सुलभ हैं, मिल लेते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी भी मिल लेते हैं, तो मैं बिल्कुल इस बारे में निश्चिंत हूँ कि उनको पता नहीं होगा ये जो 3 जो दुष्ट हैं ये किसी ना किसी बहाने से गए होंगे। और जैसा होता है उनको पता भी नहीं होगा ये क्या है और यहाँ आके उसके उस फोटो की बिना पे धमकी दे रहे हैं। मैं इस ये जो एपिसोड है इसको मैं दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भेजूंगा क्योंकि बृजेश पाठक जी के साथ इस तरह का वो कहते हैं कि वही वो उनके बहुत खास आदमी हैं, मौर्य जी के उसी उससे आती हैं, बिरादरी से आती हैं ये बेटी जो है, तो ये दोनों लोगों को भेजेंगे। आग्रह आप लोगों से ये है कि आप खुद एक बार इस पीड़िता को बुला लीजिए, आप लोगों से आग्रह ये है कि आप खुद सुन लीजिए, और अगर आपको ये लगे कि न्याय के उसमें कहीं हमारी और आपकी बेटी के साथ ये होता तो आप क्या करते, उसके बाद आप कोई निर्णय लीजिएगा। क्योंकि फोटो खिंचवाना भी अगर उसने आपको आके, और मैं ये मान रहा हूँ कि उसने बेवकूफ़ बना के उनको फोटो खिंचवाई होगी, तो उसकी इसकी जाँच पूरी हो और सजा जरूर मिले, क्योंकि अगर सजा नहीं मिली तो इस तरह के जो भेड़िए हैं
वो समाज में घूमते रहेंगे। अगर आपको कुछ कहना है तो आप बताइए, नहीं तो हम लोग आगे फिर से इसमें फॉलो करेंगे। बिल्कुल जी, हम तो केशव प्रसाद मौर्य जी से भी यही कहेंगे और पाठक जी से भी यही कहेंगे और योगी आदित्यनाथ से भी यही कहेंगे, हमारी जो भी जाँच है करवाएं और जो दोषी है उनको सजा अगर नहीं मिली तो मैं विधानसभा के सामने अपना आत्मदाह कर लूंगी। हाँ चलिए ठीक है, ये नहीं आएगा क्योंकि आप इतना विश्वास रखिए अभी ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे अगर डॉक्टर संदीप पांडे के पास आप आ गई हैं तो डॉक्टर संदीप पांडे भी आधे रास्ते छोड़ने वाले नहीं हैं, उसको कंक्लूड ज़रूर किया जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी और इसको उठाया इसमें जाएगा। मैं भी ये बात इसने इतनी बड़ी कह दी है और मैं तो इसके मुँह से पहली बार ये बात सुन रहा हूँ, हम निश्चित ये नहीं होने देंगे। और मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि भाई आप अपने ज़िले में महिलाओं को सशक्त करने का पूरा एक अभियान चलाएं, हम इनके नाम से महिला सशक्तिकरण के शिविर लगाएंगे और महिलाओं को, लड़कियों को, नवयुवतियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाएंगे। ठीक बात, हमारी यहाँ दोस्त हैं उषा विश्वकर्मा, उनसे बात हो गई है, मैं उनको गांव ले जाऊंगा और हरदोई के गांव की, और ये काम इन्होंने शुरू कर दिया। ये पता नहीं ये ऐसी बात क्यों कर रही है, अभी इसने कमला नाम की एक लड़की जिसको उसके पति ने निकाल दिया था और वो अपना मुकदमा लड़ना चाहती है, उसको ये लेके आई थी यहाँ हम सफ़र के ऑफिस में, और मेरे ख्याल से एक और लड़की को शायद लेके आई थी। तो इन्होंने अपने क्षेत्र में ये काम शुरू कर दिया है। दूसरी महिलाएं जो पीड़ित हैं, घरेलू हिंसा की शिकार हैं, अपनी लड़ाई लड़ने के साथ दूसरी महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं। और मैं इनसे कहना चाहूँगा, ये बहुत बहादुर महिला है, देखिए सबके सामने खुल के अपनी बात करती हाँ, है, ये बहादुरी ऐसी है। महिलाओं की ज़रूरत है समाज को। बिल्कुल, सिर्फ तुम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही हो, तुमसे बहुत सारी क्षेत्र की लड़कियों को उम्मीदें हैं। अगर तुमने इस तरह की गलती की कि तुमने आत्मदाह वगैरह किया तो क्षेत्र की जो दूसरी लड़कियाँ हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उन्हें बहुत निराशा होगी, वो कहेंगी कि देखो वो उसके साथ हुआ था, उसको आत्मदाह करना पड़ा, उसको तो न्याय नहीं मिला। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने न्याय की लड़ाई लड़ो, दोषियों को सज़ा दिलाओ ताकि पूरे क्षेत्र के सामने तुम एक उदाहरण बनो और दूसरी लड़कियों में हिम्मत आए कि जैसे ने अपनी लड़ाई लड़ी वैसे हम भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। धन्यवाद, चलिए थैंक यू सो मच। और इसको आप लोग भी जहाँ जहाँ इस वीडियो को वायरल हो सकता है जहाँ जहाँ पहुँचा सकते हैं पहुँचाने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।